पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। इमरान खान के बाद आज उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विदेश मंत्री की जिम्मेदारी मिलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने इशारों में भारत को भी टारगेट किया। शाह महमूद ने दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखकर इमरान खान को बातचीत के न्योता दिया है। इस्लामाबाद में शपथ ग्रहण के बाद शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के परमाणु ताकत होने तक की बात की। उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए यहां तक कहा कि दुस्साहस की कोई जगह नहीं है। शांति की बातें करते हुए शाह महमूद एक बार फिर ये भी बताने की कोशिश करते दिखे कि पाकिस्तान भी परमाणु ताकत है। उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि हम सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है बल्कि एक परमाणु ताकत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शाह महमूद ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उनकी पार्टी के चीफ इमरान खान को लिखी चिट्ठी में बातचीत का न्योता दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने इमरान खान को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी, जिसके आधार पर शाह महमूद ने ये दावा किया है।